वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन। देखो आपका जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके का जो एक्सरसाइज 4.1 था उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आप बच्चों को बता दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार उसको ज़रूर देखें। तो आज हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज और कह लो 4.2 कह लो या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4, जिसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इवेलुएट दिस आयोटा का पावर 18 प्लस में 1/ आयोटा का पावर 25 का होल पावर 3। हमें पहले इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या दे रखा है कि आयोटा का पावर 18 प्लस में 1/ आयोटा का पावर 25 का होल पावर 3। यानी अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में बताया था कि आयोटा का पावर 4 आपका क्या होता है 1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपका क्या होता है तो -1 होता है। आयोटा क्यूब क्या होगा तो इसको हम -iota नोट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। देखो जो हमारा 18 दिख रहा है ना इसको हम लोग लिख पाएंगे ऐसे कि आयोटा का पावर 4 का पावर 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस जो हमारे पास 1/ आयोटा दिख रहा है इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा पावर 25 का होल पावर 3, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो देखो अब आपको फाइनली क्या मिलेगा, आयोटा का पावर 4 क्या होता है 1 और 1 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा तो आयोटा/ आयोटा स्क्वायर का पावर 25 का होल पावर 3। देन आयोटा स्क्वायर मैंने आपको बताया क्या होता है -1, क्या होता है आपका -1। तो यहाँ पे आपका आ गया -1 पहला फैक्टर प्लस आयोटा स्क्वायर अगेन क्या होता है -1, तो ये आपका क्या बन जाएगा -iota का पावर 25 का होल क्यूब, -iota का पावर 25 का होल क्यूब, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो हमें मिलेगा -1 - iota का पावर 25 का पावर 3। अब आयोटा के पावर 25 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको हम लिख पाएंगे आयोटा का पावर 4 इंटू में 6 इंटू में आयोटा, यानी फाइनली ये आपका 1 हो गया, 1 इंटू में आयोटा हमें मिल जाएगा आयोटा। तो हमें फाइनली जो क्वेश्चन मिला सिंप्लीफाई करने पे -1 - iota का पावर 3, -1 - iota का पावर 3। तो जब इसको हम फर्दर अब आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने जाएंगे जो कि हमारा क्या होगा आइडेंटिटी a + b का पावर 3 क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b। इसको जब आप अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा -1 का पावर 3 प्लस में -iota का पावर 3 प्लस में 3 - -1 - -iota, ठीक है। तो -1 का पावर 3 क्या हो गया -1 मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया -iota³ मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिला 3iota - 1 - iota, ठीक है। तो आयोटा क्यूब क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था कि आयोटा क्यूब का मतलब ही होता है -iota, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1 + iota प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3iota और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो +3iota² तो फाइनली आपको क्या मिला, तो फाइनली हमें मिल रहा है आप नोट डाउन करते चलें -1 + iota - 3iota - 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो अब इनको हम आपस में ऐड कर दें तो हमें मिला -4 और इनको हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो -2iota, ये हमारा फाइनल आंसर है। -4 - 2iota आपका आ गया फाइनल आंसर। तो अब चाहें तो इसका यहाँ पे आपको ये माइनस मिलेगा, इसको सही करेंगे माइनस, तो ये आपका +3 होगा, ये आपका होगा 2, ठीक है, +2 आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था मल्टीप्लाई करने में,
आपका माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर आया है तो ये प्लस थ्री होगा और ये आपका टू माइनस टू आयोटा हमारा आंसर आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन। अगला है आप बच्चों का क्वेश्चन नंबर टू, उसको हम लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू प्रूव दैट रियल ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल्स टू रियल ऑफ जेड वन माइनस इंटू रियल ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड वन माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड टू, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। मान लो आपका जेड वन, तो लेट करते हैं ना कि लेट जेड वन इक्वल्स टू में एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड टू को हम लोग मान लेते हैं, जेड टू को हम लोग मान लेते हैं ए प्लस आयोटा बी। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेट कर सकते हो। ठीक है, फिर जेड वन इंटू जेड टू फाइंड करते हैं। जेड वन इंटू जेड टू तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी, यानी मल्टीप्लाई करने पे एक्स इंटू ए करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स ए, फिर इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा बी एक्स, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा ए वाई, और इनका जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर बी वाई। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो एक्स ए प्लस में आयोटा आप कॉमन कर लो बी एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो हमें मिल गया माइनस बी वाई। ठीक है, तो हमें फाइनली एक्स ए माइनस बी वाई प्लस में आयोटा बी एक्स प्लस ए वाई मिल गया। इनको सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल गया। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई किसी को डाउट होगा नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो नाउ हमें क्या शो करना है, नाउ रियल पार्ट ऑफ जेड, अगर इसका रियल पार्ट जो आपसे पूछा गया था, रियल पार्ट ऑफ दिस ये पूछा गया था ना कि आर ई ऑफ जेड वन जेड टू, तो रियल पार्ट ऑफ जेड अगर देखा जाए तो आर ई ऑफ जेड वन जेड टू हमारे पास क्या आ गया, तो आर ई ऑफ जेड वन जेड टू हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास आया ये, इसको रियल पार्ट ऑफ जेड ही है ना, क्या आ गया एक्स ए माइनस बी वाई। यानी अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स किसका है, तो आर ई ऑफ जेड वन इंटू में आर ई ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें दे रखा है रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, इस वाले क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ ताकि आप क्वेश्चन सही से देख पाएँ और हमें जगह मिल पाए। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको इसको लिखना है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको सिंप्लीफाई करके हमें ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो आइए हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है वन अपॉन में वन माइनस फोर आयोटा माइनस टू अपॉन में वन प्लस आयोटा इंटू में थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन में फाइव प्लस में आयोटा, ये हमें दिया है। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, वन माइनस फोर आयोटा एंड वन प्लस में आयोटा, ये आपका वन प्लस आयोटा हो जाएगा माइनस टू इंटू में वन माइनस फोर आयोटा हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन में फाइव प्लस आयोटा। ठीक है, तो अगेन जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अगेन फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमें मिलेगा वन प्लस आयोटा माइनस टू प्लस एट आयोटा अपॉन में, इनको सिंप्लीफाई करें तो वन इंटू वन, वन इंटू आयोटा आयोटा मिलेगा माइनस फोर इंटू, तो माइनस फोर आयोटा मिलेगा माइनस फोर आयोटा स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे आपको सेम दे रखा है थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन में
फाइव प्लस आयोटा। ठीक है, तो अगर फाइनली देखा जाए इनको जब हम डिटेल में सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8 + 1 9 आयोटा, और इनको जब आप सॉल्व करोगे -1, तो -1 + 9 आयोटा बाय हमें क्या मिलेगा, तो ये इनको सिंप्लीफाई करने पे -3 आयोटा, और ये जैसे कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आपका हो जाएगा +4, क्या बन जाएगा 4, तो 1 + 4 आपको क्या मिल जाएगा 5, तो डिनोमिनेटर में हमें ये मिल गया, और यहाँ हमारे पास ये था पहले से ही। ठीक है, तो हमने जब पहले पार्ट को सिंप्लीफाई किया, इस वाले को सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये मिल रहा है, आपने देखा होगा आपको पहला पार्ट सिंप्लीफाई करने पे ये मिला। ठीक है, तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ इसको, -1 + 9 आयोटा इंटू में 3 - 4 आयोटा अपॉन में 5 - 3 आयोटा एंड 5 + आयोटा। देखो आप इसको चाहो तो दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो इनको यहीं पे इनका कंजुगेट फाइंड कर ले या फिर इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके भी आप सॉल्व कर पाएंगे, तो अलग अलग प्रोसेस है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बाकी अपने तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 3 हमें मिलेगा -3, फिर -1 × 4 +4 आयोटा, फिर 9 × 3 +27 आयोटा, एंड इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आयोटा स्क्वायर अपॉन में हमें क्या मिलेगा, तो 5 × 5 = 25 +5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। अगेन जब आप लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे ना, तो आप देखोगे आपको क्या मिल जाएगा, अगर जब हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इनका सम हमें मिल जाएगा +31 आयोटा, ठीक है, और ये 36 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, +36 हो जाएगा आपका, तो 36 और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33 +33। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इनको ऐड करने पर मिलेगा -10 आयोटा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 25 में से आप 3 को ऐड कर दोगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका -3 आयोटा स्क्वायर जो है ये +3 बन जाएगा, तो 25 + 3 = 28। तो हमें इनको सिंप्लीफाई करने पे ये मिला। ठीक है, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को हम लोग कह लो रेशनलाइज कर दें या फिर कंजुगेट के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, 33 + 31 आयोटा बाय 28 - 10 आयोटा। तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, 33 + 31 आयोटा बाय 2 कॉमन करके 14 - 5 आयोटा। और अब हम लोग क्या करें कि 14 + 5 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में आपको ये मिल जाएगा 33 + 31 आयोटा इंटू में 14 + 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 14² - 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फर्दर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 33 × 14 हमें क्या मिलेगा, 33 × 14 हमें क्या मिलेगा, तो 462 प्लस में 33 × 5 हमें क्या मिलेगा, 165 आयोटा प्लस में 31 × 14 हमें क्या मिलेगा, 434 आयोटा प्लस में 31 × 5 हमें क्या मिलेगा,
फिर आप 31 इंटू 5 करेंगे तो आपको 155 आयोटा बाई हमें क्या मिल जाएगा, तो 2 इंटू में 196 माइनस क्या मिलेगा, तो 2 इंटू में 196 प्लस में 25। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पर आप देखोगे तो आपको क्या कन्वर्जन मिलेगा कि हमें यहाँ आयोटा स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, हमें मिल जाएगा कितना, तो 599 आयोटा प्लस में 2 इंटू में 221 प्लस 462 में से हमें 155 आयोटा स्क्वायर को माइनस करने पर मिलेगा 307। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 307 प्लस 599 आयोटा बाई 4, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर कह लो 3 का सॉल्यूशन, काफ़ी बड़ा लेंदी सॉल्यूशन हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा, इसको आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे। जब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि x प्लस आयोटा वाई हमें क्या दे रखा है कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ दिस, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला इसके इक्वल होगा। आखिर आप बच्चों इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो देखो आपको सिंपली करना क्या है, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं रूट में, अगर इस रूट वाले को हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएँ तो देन हम लोग क्या कर लेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तीस वाले क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है, तो आखिर हम लोग इसको कैसे कर पाएँ। देखो तो मैं आपको आज बहुत ही कह लो ईजी अप्रोच बताने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। आपको पढ़ाया गया होगा कंजुगेट मॉडुलस, तो हमें अगर बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ, मान लो हमें बोला जाए इनका इसका मॉडुलस लेने के लिए कि मॉडुलस ऑफ दिस x माइनस आयोटा वाई का मॉड, तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो पहले मैं कहता हूँ ना कि पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस आयोटा इस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस सी प्लस आयोटा डी, a माइनस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। देन और टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ a माइनस बी अपॉन मोड ऑफ c आयोटा डी, c माइनस डी, ए माइनस है, ठीक है। जैसे हम मॉड लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें ए स्क्वायर दे रखा था, जैसे आप मॉड लोगे आपको क्या मिल जाएगा, तो जैसे हमने मॉडुलस लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसका मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें होल स्क्वायर दे रखा है, और इसका मॉड आपको क्या मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस हमें क्या मिल जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि इसके होल स्क्वायर की वैल्यू, जब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे फाइनली आंसर क्या मिलेगा कि हमें दोनों तरफ का होल स्क्वायर लेना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेना होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सबसे इसका सिंपल सॉल्यूशन है, ईजिएस्ट वे है, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसके को करने के कई सारे तरीके हैं कि आप पहले इनको अंदर में सिंप्लीफाई करो, अंदर में C प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करो, देन उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, काफ़ी लेंदी होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।